हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फूड बाय ऋतु पर आपका स्वागत है। मेरी अक्सर यही कोशिश रहती है कि मैं आप ही की किचन से अवेलेबल सामान से हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाना बता पाऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए नज़र मारते हैं आज की रेसिपी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कैरेमल ब्रेड पुडिंग, जिसमें हमें मिलेगा कैरेमल का टेस्ट, स्पॉन्जी केक का टेस्ट और पुडिंग का टेस्ट। ये तीनों टेस्ट एक ही रेसिपी में। इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर सेलिब्रेशन का और भी मजा उठाने के लिए रेगुलर केक से हटकर अगर कोई रेसिपी है तो वो है कैरेमल ब्रेड पुडिंग। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले एक पैन में आधा कप चीनी डालेंगे। आप तो जानते ही हैं कि चीनी को गर्म करने पर ही हमें कैरेमल का फ्लेवर मिल जाएगा। चीनी को हम हाई मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हम डायरेक्ट भी पका सकते हैं, पर मैंने इसे एक चम्मच पानी डालकर पकाया है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो इस तरह से हम इस कैरेमल सिरप को जल्दी से टिन में ट्रांसफर कर देंगे। जिस टिन में आप केक बनाने वाले हैं उसी टिन में इसको ट्रांसफर करें। इस घोल को केक टिन में निकालने से पहले केक टिन के साइड्स पर ऑयल जरूर लगा लें। इससे जब आप पुडिंग केक निकालेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से टिन को घुमाते हुए हम अपना सिरप चारों तरफ लगा लेंगे। अब इस टिन को एक साइड पर रख लेंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब हम एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा दूध डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। हमें ये घोल लम्स फ्री बनाना है। हमने यहाँ वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो मैं चम्मच से आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो देखा आपने, क्या बढ़िया घोल तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक साइड पर रख लेंगे। एक पैन को गरम कर लेंगे। हमने यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे। हमने यहाँ फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें हम 1/2 कप चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी। जैसे कि चीनी घुल चुकी है तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड का घोल डाल लेते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखा, सिर्फ 2 या 3 मिनट चलाने से ही हमारा कस्टर्ड कितना थिक हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के क्रम्स डालेंगे। हमने यहाँ 5 ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सी में चलाकर इसका ब्रेड क्रम बना लिया है। हमने यहाँ ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप आटा या फिर व्हाइट ब्रेड, किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसे हमें लंप फ्री बनाना है। अगर इसमें लंप्स यानी कि गांठें पड़ जाएं तो घबराए नहीं। इस तरह से लगातार चलाने से इसकी सारी गांठें खुल जाएंगी। तो देखा आपने, क्या बढ़िया बैटर हमारा तैयार हो चुका है। जैसे कि हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसको केक टिन में निकाल लेंगे। हम इसे उसी केक टिन में निकालेंगे जिसमें हम इसे बेक करने वाले हैं। इसे हम टैप करके भी इवन कर सकते हैं या फिर इसे चम्मच की हेल्प से इवन कर लेंगे। अब हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए और जिसका भारी बेस हो। मैंने यहाँ भारी बेस वाला पैन लिया है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें हमने एक नीचे स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इसमें नीचे कोई कटोरी भी रख सकते हैं। तो इस तरह से टिन इसके ऊपर रख देंगे और इसे हाई मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए पका लेंगे। केक टिन को हम कवर करके रखेंगे। इसे आप किसी भी प्लेट या फिर फॉइल से कवर कर सकते हैं।
जैसे कि 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी पुडिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इस टिन को निकाल कर बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। ठंडा होने पर ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमारा केक टिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब एक प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने से पहले एक बार टैप जरूर कर देंगे। तो इस तरह से टैप करते हुए हम अपनी पुडिंग को निकाल लेंगे। तो देखा आपने, क्या लाजवाब पुडिंग केक तैयार हो चुका है। तो कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर सेलिब्रेशन का मौका हो, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।